नमस्कार जी, मैं शिफाली स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नया मुद्दा लेकर, एक नया एपिसोड लेकर। बातें तो चलती रहेंगी, एपिसोड के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि आप जो है प्रोग्राम हमें इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यूट्यूब चैनल पर भी हमें देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं आ सकते तो आप जो हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, यानी आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। यानी प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो हैं वो फ़ोन पे बात भी करते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो अलग से है। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं आपका। अगर फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, अगर आप मिलना चाहते हैं, तो आप फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। आधी बात, आधी समस्या जो है वो फ़ोन पे ही हल हो जाएगी। जब आप मिलने आएंगे, जब आप उनका ऑरा देखेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं किसी ज्योतिष के पास नहीं आई, मैं किसी अपने के पास आई हूँ। अपना जो मेरी सारी समस्याओं को सुन रहा है, मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर रहा है, ऐसा ज्योतिष, ऐसे लोग भी हैं। ऐसे ही हैं हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, जो गैरों को भी अपना बना लेते हैं। आज का एपिसोड किस पे है जी? आज का एपिसोड है जी, अपना टाइम कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा। मेरा टाइम तो आ गया, जब भी मैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के पास आई तभी मेरा टाइम आ गया। और जितनी भी कैमरा टीम है, जितने भी प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के साथ लोग जुड़े हैं, उनका टाइम तो आ गया, लेकिन 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 आप जो घर बैठे हैं, आपका टाइम कब आएगा? तो ऐसा ही आज मुद्दा उठाएंगे, ऐसा ही आज टॉपिक उठाएंगे और ऐसी ही बातें करेंगे। और कहते हैं ना कि जब टाइम ना हो अपना, तो जो अपने होते हैं वो भी बेगाने हो जाते हैं। मतलब अपना टाइम ना हो तो लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन अपना टाइम कब आएगा? तो आज ऐसी ही बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अब ये बताइए कि अपना टाइम कब आएगा? लगता है आप वही बात कर रहे हो जो मूवी आई है, पता नहीं कौन सी मूवी थी, उसमें गली बॉय उसमें कहते थे अपना टाइम कब आएगा जी। वो एक मूवी है, अपना टाइम कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। लेकिन वो टाइम कब आएगा? मतलब आपके साथ अगर मैं जुड़ी हूँ तो मेरा टाइम आ गया, मेरा समय आ गया। जो लोग मेरे से जलते थे आज वो छोटे पड़ गए। और जो जितनी भी आपकी टीम है, कम से कम मुझे लगता है कि आपके साथ 50-60 लोग तो जुड़े हुए हैं जिनके घर परिवार चलते हैं। और जैसे कि हमारी कैमरा टीम है, बड़ी खुश हैं, वो भी खुश हैं। और जितनी आपके साथ लोग जुड़े हैं, जितने आपके बाउंसर लगा लो और आपकी टीम है, जितनी आपके परिवार में जो लड़कियाँ हैं जो आपके फ़ोन सुन रही हैं, वो भी बड़ी खुश हैं। और जो भी यहाँ पे आता है उसकी टेंशन आधी तो कम हो जाती है। लेकिन लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपके पास नहीं आए, उनका टाइम जो है वो कब आएगा? बहुत सा पूछा शिफाली जी आपने, आज आपने बात की अपना टाइम कब आएगा। बहुत से ऐसे बंदों की बात है जो इंसान कहते पूरी जिंदगी में कामयाब नहीं होया, मेरा टाइम कब आएगा, कब मेरे पास पैसा होगा, कब मैं कामयाब होऊंगा, कब मेरे पास राज दरबार होगा, कब आएगा वो टाइम जिसमें कि मैं पूरी दुनिया की खुशियां अपने अंदर समेट लूंगा। ऐसे ही कल की अवतार ने भी बोला था, कलयुग में बोला था ऐसे ही ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, कि मेरा टाइम कब आएगा। द्वापर आ गया, त्रेता युग आ गया, सतयुग आ गया, कलयुग कब आएगा? तो आ गया कलयुग। ऐसे ही जैसे ही इन्होंने बात की, जैसे कि ये जो हमारी कहते हैं ना सात द्वीप थे, सात द्वीपों की धरती है और सात ऋषि जो पैदा किए थे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने के लिए, ये भारत से ही पैदा हुए हैं, कोई अमेरिका नहीं था, कोई कनाडा नहीं था, सात द्वीप पूरी धरती को मिला के एक अकेला भारत बनता था पहले। ये आज से 4 अरब साल पहले की बात है। और सबसे पहले क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने सात ऋषियों को पैदा किया था कि सृष्टि की रचना रचने के लिए, सप्तऋषि जो आकाश में दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर उनसे वंश पैदा हुए, उसके बाद सृष्टि की रचना होनी शुरू हो गई। उसके बाद नाखून से नारद जी को पैदा किया, अपने अहंकार से प्रजापति दश को पैदा किया, और प्रजापति दश की 27 लड़कियां थी, कन्याएं थी,
जो कि बहुत सुंदर थी, और चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। और क्या हुआ था भाई, चंद्रमा इतना ज़्यादा सुंदर था, 27 की 27 लड़कियाँ चंद्रमा से ब्याह दी थी प्रजापति दक्ष ने, और एक अभिजीत नक्षत्र था, 27 नक्षत्र हैं हमारे, और एक अभिजीत नक्षत्र था, उससे जो पैदा हुई रोहिणी कहते ना, उससे जो पैदा हुई पार्वती, जो कहते ना चंद्रदेव थे, एक रोहिणी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि रोहिणी नाम की लड़की थी, उससे ज़्यादा प्यार करते, बाकी लड़की से कम प्यार करते, उससे उसका दंड मिला, श्राप मिला, कोड़ी हुए, वो बहुत लंबी कहानी है, कहानी बाद में, अपना टाइम कब आएगा, अभी कहानी के बीच में ही बात बता रहा हूँ मैं। जब कोई भी अवतार पैदा होता है, जब कोई भी जाके भगवान के पास अर्ज लगाता है, कहता है मेरा टाइम कब आएगा, जैसे कि आप भी जाते हो किसी भी भगवान के पास, किसी को भी मानते हो, तो सबसे पहले बोलते हो हे भगवान कब आएगा मेरे सुख सुविधाएँ, कब मेरे पास खुला पैसा देखेगा, कब मेरे पास गाड़ी होगी, कब मेरी शादी होगी, कब मेरे ये बच्चे होंगे मेरे घर में पैदा होंगे, कब मेरा काम चलेगा, टाइम कब आएगा। सच बताऊँ मैं सबको पता क्या बोलता हूँ, आप मेरे पास आ गए, आज के बाद आपका टाइम शुरू हो गया, ये सच है, ये दिल की बात मैंने बताई। जो भी इंसान दुखी होता है सबको मैं ये बोलता हूँ, बस आपकी यात्रा ख़त्म हुई, आज के बाद आप कामयाब हो गए, जितने भी आते मेरे पास सबको पता है इस बात का, सबको बोलता हूँ। वो अलग बात है कुछ 100 में से एक बंदा आके ये बोलता है प्रोफेसर वाकई में पूरी दुनिया जिस लोगों को मैंने भेजा सब कामयाब हो गए सब, लेकिन मैं कब होऊंगा। देखिए भगवान ने 16 साल की दशा उसे बुरी दे दी, गुरु की दशा उसे बुरी दे दी, 16 साल के लिए वो पीड़ित हो गया, लेकिन वो मेरे पास आ गया, प्रोफेसर साहब मेरे दिन अभी साल चला बहुत ज़्यादा, मैं नंग हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन मैं कामयाब कब होऊंगा, कब होगा। मैंने देखा मैंने तो अभी 15 साल पढ़े हैं, मैंने कहा चिंता मत करो, टेंशन मत लो, आपकी टेंशन दूर होगी, पहले मैं ये बात बोलता हूँ, उसके दिमाग से वो जो साल बुरा बीता वो दूर करता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद बोलता हूँ आज के बाद आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया, क्योंकि गुरु में गुरु कभी अच्छा नहीं जाता, गुरु में शुक्र कभी अच्छा नहीं जाता, बहुत ध्यान से लिख लीजिए जितने भी ज्योतिषी हैं, ये बातें आपको नहीं मिलेंगी कभी, कभी अच्छा नहीं जाता गुरु में, कभी भी शुक्र कभी पूरी दुनिया का अच्छा नहीं जाता। और जब इंसान कहता है कि मेरा टाइम कब आएगा, मैं कब कामयाब होऊंगा, तो मैं दशा देखता हूं गुरु के बाद कौन सी दशा आने वाली है, वो ग्रह कहाँ पे बैठा है, तो मैं बोलता हूँ भाई जब भी मेरे पास कोई भी आता है मैं कहता हूँ हो गया टाइम शुरू, कब प्रोफेसर साहब, मैं बोलता हूँ चिंता मत करो, जब से ही मेरे उपाय करोगे वैसे टाइम शुरू हो गया, इतना पॉजिटिव करके भेजता हूँ। तो जैसे ही इंसान के दिमाग में एक चीज़ होती है प्रोफेसर साहब ने बोला था मैं उपाय करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, वो जैसे जैसे मेरे उपाय करता जाता है ठीक होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे मेरे पास करता जाता उपाय ठीक होता जाता है, ऐसे ही है। कहते हैं श्री कृष्ण जी से भी यही कल्कि ने मांगा था कि मेरा टाइम कब आएगा, कहते आ गया कलयुग, बस इसके बाद कलयुग स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका। जितने भी बांदे हैं, जितने भी बंदे हैं पूरी दुनिया में, जो जो काम करते हैं कर्म, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो कलयुग में ही निपटारा लेके जाएंगे। पहले क्या होता था सतयुग में, सतयुग में क्या होता था, इंसान कर्म करता था उसका फल उसको अगले जन्म में मिलता था, जब वो कर्म करता था उसका फल उसको आने वाले जन्म में मिलता था। तो श्री कृष्ण जी ने बोला टाइम तो आ गया, लेकिन इसका फल आपको किसी भी जन्म में नहीं मिलेगा, जो आप कर्म करोगे उसका फल उसी टाइम ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी है, जो आप कर्म कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो इस टाइम, अच्छा या बुरा, इसका फल इसका नतीजा आपको इसी जन्म में भोगना होगा। अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो इसका फल आपको इसी जन्म में, कलयुग का ये सिद्धांत है, कलयुग का ये सिद्धांत है, कभी भी अगला जन्म में साथ नहीं लेकर जाता, जो इंसान इसी में मरता हो इसी में ही दुख लेके पूरी दुनिया में को दुख देता है तो पूरी दुनिया के दुख लेकर मरता है, जो इंसान सुख देता है तो पूरी दुनिया के सुख लेके ही मरता है ये इंसान इसी भी जन्म में, वो जन्म पिछला जन्म अगला जन्म। ये सतयुग की बातें थी, ये त्रेता युग की बातें थी, ये द्वापर युग की बातें थी।
क्यों? क्योंकि तब ज्योतिष थी, तो ज्योतिष में तब बताया था आपने पिछले जन्म में राजन क्या किया था, एक गऊ की हत्या करवाई थी, जब आप ऋषि बन के बैठे हुए थे, एक जो कहते गऊ को पकड़ने वाला वो गऊ को मारने वाला था, आपने बोला, उसने बोला गऊ कहाँ गई, आपने बोला इधर गई, आप तपस्या कर रहे थे, आप बोल सकते थे मुझे नहीं पता मैं तप कर रहा हूँ, या जवाब ही नहीं देते तब भी आपका सह सकता था, लेकिन आपने इशारा किया था, अब उसका जो फल है बुरा वो आपको इस जन्म में मिल रहा है, ये सतयुग की बातें थी। जो इंसान कर्म करता है उसका फल द्वापर युग में, अगर द्वापर युग में कर्म करता है तो उसके अगले जन्म में, अगर त्रेता युग में कर्म करता था उसका जन्म फल जो मिलता था उसके अगले जन्म में, लेकिन कलयुग का फल अगर आप कर्म कर रहे हो तो इसका फल इसी जन्म में भोगना होगा। देखिए भगवान कहता है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कलयुग में फल की चिंता मत कर, फल अपने कर्मों के द्वारा आपको खुद बे खुद मिल जाएगा, ये कलयुग की बात है। लेकिन कहते हैं मेरा टाइम कब आएगा, टाइम आपका उसी टाइम शुरू हो जाता है जब आप कर्म करना शुरू कर देते हो। जब कोई भी इंसान कर्म करता है अच्छे या बुरे, उसका टाइम शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था भाग्य कैसे जागता है। एक इंसान घर में पड़ा है, मेरा भाग्य नहीं जाग रहा, मेरा भाग्य नहीं जाग रहा, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि उसने, उसको एक बंदा आया कहता वो तेरा भाग्य तो सो रखा है, तू भाग्य को जगा के आ, कहता अच्छा मेरा भाग्य सो रखा है, वो घर से निकलता है लाठी पकड़ के, मैं भाग्य को जगाने जा रहा हूँ, कहता कहाँ है भाग्य, कहता दक्षिण दिशा में जाओ, दक्षिण दिशा में आपको राजा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि पहले जो इंसान ज्योतिषी थे बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करते थे, वो उसको कर्म के द्वारा भाग्य को जगाते थे। आजकल के ज्योतिषी पता क्या करते हैं, ओहो तेरा तो ये बेड़ा गर्क होने वाला है, ये काम कर दे तभी होगा, तो पहले डरा देते हैं, वो बेचारा डर जाता है उसके बाद करते हैं, आजकल ये होता है। तो पहले ज्योतिषी क्या होते थे, पहले एस्ट्रोलॉजर हमारे कर्म करवाते थे, जैसे कि कैसे, मुझे अभी तक याद है मेरा गुरु था वो क्या करता था, चलो नाम नहीं लूँगा मैं, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके पास ज्योतिषी सीखने जा रहा था, क्योंकि ज्योतिष मैंने बहुत इंसानों से सीखी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों से भी सीखी और लाल किताब वालों से भी सीखी, और एक ज्योतिषी था मेरा, वो पता क्या कर रहा था, मैं उसके पास बैठा था तो उसके पास उसकी सास आई, कहते एक लड़की की माँ आई, कहती है मेरी बहू मेरे को बहुत तंग करती है, वो सारा दिन कोई भी मैं काम करती हूँ तो वो काम को उल्टा कर देती है, हमारी लड़ाई होती है, घर में हमारे झगड़ा होता है बहुत ज़्यादा, प्रोफेसर बताइए पंडित जी हमारा झगड़ा कब ख़त्म होगा, कहता अच्छा झगड़ा होता है, कहता कोई बात नहीं आपका झगड़ा मैं मिटाता हूँ, ऐसे करो 2 किलो चने की दाल लेके आओ, 2 किलो चावल लेके आओ, कहते चने की दाल अभी जाओ अभी लेके आओ मेरे सामने, मैं कहा प्रोफेसर मैं पंडित जी के पास बैठा था, मैं कहा गुरु जी आपने चने की दाल और उसका क्या करो, कहते बताता हूँ चिंता मत कीजिए देखते जाइए, जब 2 किलो चने की दाल लेके आ गए 2 किलो चावल लेके आ गए तो उसको एक बड़ी सारी थाली में डाला, उसको ऐसे मिक्स कर दिया, उसमें से 2 मुठ निकाले बड़े बड़े निकाल के रख लिए, कहते अब उसको पॉलिथीन में डाल दिया, कहते अब इसको लेके जा और जब तू इसको अलग अलग करने, चावलों को अलग करना है चने की दाल को अलग करना है, कहती ठीक है पंडित जी बस यही तेरा उपाय है, जब तू इसको अलग करना है भगवान का नाम लेते जाना है, नो रानी आपकी जो बोलती जाए आपने उसे कुछ नहीं बोलना क्योंकि आपका उपाय खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये काम करना शुरू कर दिया, ये काम कम से कम 5 दिन करना है, 5 दिन में ख़त्म करने हैं और 5 दिन में ख़त्म होने चाहिए आपके, चाहे 2 घंटे 1 घंटे लगा ला चाहे कैसे लगाए 1 घंटा, कहते ठीक है जी भगवान का नाम लेना है, जब भी वो काम करके फ्री होती थी वो काम लगने शुरू कर देते, 5 दिन में ख़त्म कर रहा था, 2 किलो चावल आपको पता है कितने होते हैं, चने की दाल कितनी बारीक होती है, उसको बीच में से निकालना, उसको बीच में एक चावल को उसमें करना, एक चावल को उसको भरना, उसने 5 दिन में ख़त्म किए। 5 दिन बाद जब वो आई कहती पंडित जी मैं ठीक हो गई, धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा, मेरी बहू बिल्कुल नहीं बोलती अब, क्या हुआ 5 दिन के लिए उसने सास को काम लगा दिया जो फ्री बैठती थी, क्योंकि वेला मन शैतान दा घर पंजाबी दी कहावत, जब वो फ्री बैठती थी तो अपनी बहू के साथ लड़ती थी झगड़ती थी, उन्हें उसको काम लगा दिया। तो मैंने कहा गुरुजी जो आपने ये बुक्की निकाली है, ये मुठ निकाले हैं चावल की, ये कहता है इसकी हम खिचड़ी बनाएंगे,
जो भी यहाँ पे आएगा उसको बांटेंगे प्रसाद के तौर पे। इस लड़की का बुरा भला हो जाएगा और जो 5 दिन के लिए चुप बैठेगी इसका घर स्वर्ग बन जाएगा। देखिए पहले हमारे ज्योतिषी कितने समझदार हुआ करते थे, आजकल के ज्योतिषी कहते 50,000 रुपये दे दो तभी आपका शांति होगी। एक बहू आती है कहती मेरी सास मेरे को बहुत बोलती है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, दिल करता मैं अपनी सास को मार दूँ। उसके तीसरे दिन, क्योंकि मैं जब सीखने जाता था पास बैठता था, ये क्या बोलते क्या नहीं बोलते, कहता अच्छा शास्त्री ऐसे बोलती है, ऐसे लेके आ मलट्ठी लेके आ 4-5। कितने की मलट्ठी लेके? 20 रुपये की मलट्ठी लेके आ, कहते हैं मलट्ठी लेके आ गई। उसके ना उसके सामने उसके टुकड़े कर दिए छोटे 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 छोटे, इतने टुकड़े करके दे दिए, ये ले ये 50 टुकड़े हैं तेरे पास, जब भी तेरी सांस बोलने लगे मैंने उसके ऊपर मंत्र पढ़ दिया है, ये तेरी सांस है, एक मलट्ठी का टुकड़ा तेरी सांस है, इसको आप दांतों के बीच दबा लो, जब तेरी सांस बोलने लगे इसको जोर से दबाओ, उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा, जब और बोले उसको जोर से दबा दो, बोलना नहीं इसको दबाना है बस, जितना जोर से दबाती जाओगी उतनी तेरी सांस को दर्द होगी। कहते अच्छा फिर तो मैं जोर से दबाऊंगी, कहते ठीक है चली जा। वो घर पे चली गई, जब उसकी सांस बोलने लगे तुमने काम नहीं किया, उसके मलट्ठी का टुकड़ा डाले मत और जोर से दबाना शुरू कर दिया, और जोर से दबाना शुरू कर, सांस बोलती है यार ये बोल क्यों नहीं रही, ये चुप क्यों कर गई, मेरी बहुत चंगी मैं तो ऐसे ही बोलती रही 5 दिन, उसने 5 दिन ऐसे किया, 10 दिन ऐसे, 50 टुकड़े थे 50 दिन कम से कम करना था उपाय, तो 50 दिन के लिए बहू को चुप करवा दिया गुरुजी ने। जब 50 दिन के लिए बहू चुप कर गई फिर सास पागल थोड़ी नहीं थी ऐसे ही बोलते रही, उसने भी बोलना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, बहू डब्बा लेके गुरुजी के पास पहुंच गई, गुरुजी मेरी सास अब बोल नहीं रही, कभी नहीं मेरे को डांटती। हुआ क्या, एक मलट्ठी का टुकड़ा उसके रख दिया उसको ऐसे। पहले हमारे गुरुजन ज्योतिषी ऐसे होते थे, बहुत समझदार हुआ करते थे। देखिए उपाय मैं बताता हूँ, तो 2-4 उपाय और बताता हूँ क्या हुआ। एक मेरे सामने आए, कहती है प्रोफेसर साहब, कहती है पंडित जी मेरे घर में क्लेश रहता है, मेरा पति मेरे को डांटता रहता, तू ये काम नहीं करती, ये काम नहीं करती, ये काम नहीं करती। कहता कोई बात नहीं, आज के बाद तेरा पति नहीं तेरे को डांटेगा। कहता क्या? कहता तू ऐसे कर रीठे लेके आ 5 किलो। कहती 5 किलो रीठे? कहता हाँ लेके आ जा भाग के। 5 किलो रीठे लेके आ गए। कहते क्या करना है? कहता है इस रीठे में सरसों का तेल लग, इस रीठे को तोड़ना है, अपने अलग अलग करना है, उसकी गटोनी निकालनी है, उसके सरसों का तेल लगा कर मेरे पास लेके आना, मैं मंत्र पढ़ के दूंगा तेरे को। देखिए पहले कैसे होते थे, वो बेचारी 5 किलो रीठों का रोज करती रही, ऐसे काम करती रही, घर वाले ने सोचा बेचारी कितनी अच्छी है, काम कर रही है, रीठों का क्या करेगी, कपड़े धोने में काम आएगा, बेचारी कितनी अच्छी है। वो अपना काम कर रही थी, घर वाले ने अच्छा कहना शुरू कर दिया। पहले हमारे ज्योतिषी ऐसे होते थे, फ्री बैठती नहीं थी, घर वाले के पास जाती नहीं थी, बेचारी काम लगी रहती थी हमेशा। वो रीठे लेके इतना बड़ा लिखे क्या गई, कहती क्या करूँ अब, कहती जब इसके छिलड़ है इसको पानी में भगो, इससे कपड़े धो आप, आपके कपड़े बहुत अच्छे होंगे। पहले हमारे गुरुजन ऐसे होते थे, तो जी रीठे की गोलियाँ मेरे पास रख दो। कहती वो क्या करनी है? कहती आप 8 गोलियाँ निकालो, उसको चलते पानी में जलप्रवाहित करो, आपका शनिदेव अच्छा हो गया। कहती यहाँ पे रख दो, अब जो भी मेरे पास आएगा उसको 8 गोलियाँ मैं दूंगा। रीठे की 8 गोलियाँ सरसों का तेल लगाकर चलते पानी में जलप्रवाहित करने से शनिदेव अच्छा होता है और बुध देव भी अच्छे होते हैं। देखिए अब ये उपाय पहले होते थे, आजकल ये उपाय खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि रीठे की गोलियाँ निकालता ही कोई नहीं, ना मिलती है, ना सरसों का तेल लगाता है, इतनी मेहनत करे कौन। हाँ 8 किलो उर्द की दाल चलते पानी में जरूर बढ़ जाए प्रभावित कर देंगे, क्योंकि वो पैसों से आए इसकी, वो फ्री का काम था। पहले उपाय ऐसे हुआ करते थे। तो पहला टाइम तो निकल गया, अब अपना टाइम तो आपने लाना है अपने कर्मों के द्वारा। जब इंसान मेरे पास आता है तो टाइम शुरू हो जाता है। मैं सबको बोलता हूँ, जितने मेरे पास काम करते हैं, जितने मेरे पास कैमरा टीम है, जितने मेरे साथ सुनार की टीम है, जितने भी मेरे पास काम करते हैं, मैं कहता हूँ मेरा पैसा कर्म वाला होता है। जब भी कोई इंसान आता है मैं कहता हूँ अरे इधर ये पैसा आप अपने गले में रख दीजिए, आपके भला हो गया। मैं ये बात बोलता हूँ स्पेशल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी मेहनत है जिससे मैं पैसा कमाता हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ, शाम को जाता हूँ, तो भगवान की कृपा से ये तभी काम चलता है। प्रोफेसर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, लेकिन आपने अभी कहा कि भागवत में लिखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, अभी आपने बोला ये, लेकिन कलयुग है, गुरु कहीं 10म भाव में आ जाए तो क्रेडिट नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, इंसान चाहे जितना मर्जी करता रहे लेकिन उसका फल जो है उसको नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों होता है?
बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने, आपने पूछा कि गुरु जब भी दशम भाव में आ जाता है, दशम भाव में जो राशि पड़ती है मकर राशि पड़ती है जी, जो उसकी जमीन का मान वहाँ पे गुरु नीच का माना जाता है, तो इसलिए जितना उसको कारण करता है यश नहीं मिलता, लेकिन फल भगवान कहता है मैं जरूर दूंगा। यश इंसान से मिलता है, यश भगवान से नहीं मिलता। पूरी दुनिया में बहुत ध्यान से बात सुनिए, जब भी गुरु दशम भाव में आ जाए इंसान कर्म मिलता है, इंसान की तरफ से वहाँ पे यश नहीं मिलता। भगवान कहता है मैं यश नहीं दूंगा, मैं फल दूंगा। इसलिए चौथी दृष्टि से जब सप्तम दृष्टि से चौथे घर को देखता है तो उसको सुखों का फल जरूर मिलता है जब कभी दशम भाव में गुरु आ जाए। ऐसे बहुत से योग हैं जैसे कि बारहवें घर में जब भी गुरु आता है तो कहते हैं जितना भगवान का नाम लेगा उतने तेरे खर्चे बढ़ेंगे, उतना तो परेशान होगा, कुंडली ये भी कहती है, ये लाल किताब कहती है। लेकिन बारहवें घर में मीन राशि आती है, बारहवीं जमीन के ऊपर, इसलिए उसका कारक जो है शनि है। खर्चे बढ़ जाते हैं, इंसान धार्मिक की ओर चला जाता है, दिल करता है बार बार मैं भगवान के पास जाऊँ, वहाँ खर्चे बढ़ा लेता है, अपने काम को थोड़ा सा रोक लेता है या ब्रेक लगानी शुरू कर देता है, इससे उसकी परेशानी बढ़ जाती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, सभी योगों के बारे में बताऊंगा, लेकिन जब भी समय आएगा, कहते हैं समय बहुत बलवान है, जब इंसान का समय आता है तब इंसान को पता चलता है कि मेरा समय अब आ चुका, कहते हैं अपना टाइम आ चुका, इस टाइम जो भी मैं काम करूँगा मुझे पता है कि मेरा जो कर्म है, मेरा जो फल है मुझे जरूर मिलेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि सूर्य अगर लग्न में आ जाए, ऐसा बंदा राजा होता है, किसी की ना मानने वाला हटी राजा होता है, और पिता के साथ भी नहीं बनते, यानी कि इतना बड़ा राजा होता है, जैसे कि कहते हैं सूर्य दूसरे भाव में अलग प्रभाव देता है, सच वाणी बोलने वाला इंसान होता है, अगर झूठ बोलने की कोशिश करे तो जबान थथलाने लगती है। देखिए, और योगों के बारे में बात करूं तो चंद्र लगन का अलग प्रभाव है, मंगल लगन का अलग प्रभाव है, बुध लगन का अलग प्रभाव है, लेकिन बाद में अगर बात करें तो राशि की, राशि अगर वहां पे मेष राशि आ जाए तो मंगल लगन में आ जाए तो अलग प्रभाव, वृष राशि आ जाए तो मंगल लगन में आ जाए अलग प्रभाव, मिथुन लगन आ जाए तो मंगल लगन में आ जाए, तो ऐसा बंदा कभी कामयाबी नहीं हो पाता, अलग प्रभाव। लेकिन अगर नक्षत्र अगर कहीं कृतिका आ जाए, रोहिणी आ जाए, हस्त नक्षत्र आ जाए, और नक्षत्र के ऊपर कहते हैं कि उसकी राशि कोई और आ जाए, जैसे कहते हैं कि अश्विनी नक्षत्र आ जाए और ग्रह जो बैठा हो अश्विनी नक्षत्र का बैठा है, और जो राशि भी आपको पता ही है मेष नगर में अश्विनी नक्षत्र आता है, और उसके बाद उसके साथ जो शनि आ जाए तो फिर क्या होगा, अगर राहु आ जाए तो फिर क्या होगा, बहुत सा है, बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है। हमारे सामने जब कभी कोई ऐसी कुंडली आती है तो उसका हम लोड देखते हैं, फिर मंगल कहाँ पे बैठा है, मंगल अगर वहाँ पे बैठा है उसका फल क्या कर रहा है, मंगल नीच के बैठे हैं उच्च के बैठे हैं, मंगल का प्रभाव क्या पड़ रहा है अश्विनी नक्षत्र का, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन जब भी इंसान कहता है कि मेरा टाइम कब आएगा, और टाइम उसका तभी शुरू हो जाता है जब वो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाता है जो उसको दिशा दिखाने वाला होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दिशा भटकाने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिशा दिखाने वाले होते हैं, और दिशा दिखाने के लिए बहुत कम लोग हैं, दिशा भटकाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, कोई भी दिशा सही नहीं दिखाता। सब इंसान कहते हैं अच्छा 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 तू दिल्ली जाना चाहता है, लुधियाना से दिल्ली जाना चाहता है, बहुत आसान है, तू ऐसे कर तू राजस्थान में जा, राजस्थान के बाद गुजरात जा, गुजरात के बाद बम्बे जा, बम्बे के बाद गोवा जा, गोवा से सीधी फ्लैट ले कोलकाता की, कोलकाता से सीधी फ्लैट ले दिल्ली की, तो दिल्ली पहुंच जाएगा। बेचारा लुधियाना से दिल्ली की नहीं जाता, उसको वहां भेजते कन्याकुमारी की ओर, चल जा वहां, जा वहां से घूम के वापस आ, फिर दिल्ली पहुंचेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो कहते हैं फ्लैट लेने की जरूरत नहीं है भाई, लुधियाना से सीधा अम्बाला बस पकड़ और ट्रेन पकड़ सीधा दिल्ली पहुंच जाएगा, बस यही बात है। कितने दिल्ली, कई लोग तो ऐसे भटकते 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 पहुंच ही नहीं पाते, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक क्षण भर में मिल जाता है उसको मंजिल, वो कैसे मिलती है, जब इंसान अच्छे इंसान की शरण में चला जाता है,
जब उसको बताने योग्य, जब वो इंसान दिशा दिखाने वाले इंसान आ जाते हैं, जब वो दिशा दिखाते हैं, तेरी दिशा तो ये थी, तू कहाँ जा रहा है, तेरे को पता होना चाहिए तुमने जाना कहाँ था। इसलिए दिशा दिखाने के लिए, अगर आप दिशा दिखाने के लिए आपका कोई अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छे माँ बाप है, तो आपका टाइम शुरू हो चुका है, समझ लीजिए आपका टाइम आ गया। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने काफ़ी कुछ बता दिया, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि मतलब सीधा जाना है, रास्ता कहाँ पे है, लेकिन ज्योतिष जो है वो साइंस है। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन प्रोफेसर, मैंने एक ज्योतिष को मतलब किसी चैनल पे देखा, तो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान आपके पास आया तो वो अपनी प्रेडिक्शन लेने आया, आपसे उपाय लेने आया, लेकिन अगर उसके साथ कोई बुरी घटना, दुर्घटना होने वाली है तो आप उनको बताइए, उन्हें जानिए, उन्हें समझाइए, लेकिन आप कहते हैं कि अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उसको मत बोलिए, उसके बारे में बुरा अगर बोलेंगे, जैसी क्रिएटिविटी आपकी होगी वो वैसा ही होगा, जैसी उसके दिमाग में बातें चलेंगी वो वैसा ही फल देंगी। लेकिन एक अच्छे पढ़े लिखे ज्योतिष जो हैं वो ऐसी बात क्यों बोलते हैं कि उनको ये दुर्घटना के बारे में जागरूक करिए, ऐसा क्यों? शिफाली जी, अगर हम जब भी कोई भी इंसान आता है, जैसे कि मान लीजिए मंगल और सूर्य का मेल हो जी, शनि की दृष्टि आ जाए जी, एक्सीडेंट योग बनता है जी बिल्कुल, और मंगल की दशा आ जाए जी, शनि का अंतर आ जाए जी, गोचर में लगन में मंगल और शनि चल रहे हों जी, जब तक 40 दिन तक उसके ऊपर एक्सीडेंट का योग बनेगा, वो एक्सीडेंट होगा ही होगा 100% जी। तो जब भी कोई मेरे पास आता तो मैं क्या बोलता हूँ, बहुत ध्यान सुनिए जी, मैं ये बोलता हूँ आपके पास गाड़ी व्हीकल चलाते हो, कहते हैं चलाते हैं, तो उसमें 8 सवारे लाल कपड़े में बांध के रख लीजिए, मैं उसको उपाय बताता हूँ जी। आप जब भी आज के बाद आपने गाड़ी चलानी, धीमी चलानी है, 6 महीने आपके लिए ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन शरीर कष्ट आ सकता है, उसके लिए आप ये करने हैं जी बिल्कुल। जो लोग जो ज्योतिषी पता क्या कहते हैं, पहले से तेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा जी, वो हो जाता है, वो हो जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू मर भी सकता है, इसलिए तेरे को ये पूजा करवानी पड़ेगी, ये होगा, तेरा एक्सीडेंट का योग बना हुआ है। एक्सीडेंट का योग बना होता है इंसान का, लेकिन उसको बताना जरूरी नहीं होता कि उसका एक्सीडेंट जो बन चुका है, तू मर जाएगा, तू ऐसा हो जाएगा, ये चीजें गलत है, उसके दिमाग में वो चीज घटित हो जाती है, ग्रह फिर अपना काम कर जाते हैं जी। आप कहना चाहते हैं कि उपाय जो है वो काम करते हैं, मतलब मगर आप जो बोलते हैं वो होता है, मतलब कि अगर कुंडली में कोई खराब योग है तो आप प्रोफेसर गुरदेव अरोड़ा साहब के पास आ सकते हैं, मतलब कुंडली लपेट के रख दीजिए, आप उनके पास आइए, उनकी पॉजिटिविटी लीजिए, उनका ऑरा लीजिए, और आपकी समस्याओं का जो है वो समाधान हो जाएगा। वो कहते हैं, वो हर बार कहते हैं कि मेरे पास आइए, हर समस्या का समाधान है, ऐसा वो बोलते हैं, ऐसा वो करके दिखाते भी हैं, वो हर चीज़ वो जो है प्रैक्टिकल करते हैं, हर चीज़ जो है वो साइंटिफिक तरीके से करके बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बातें कर दी तो काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप भी प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से मिलना चाहते हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलने के लिए आ भी सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।